हाय हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है भावनास किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ चाइनीज़ पकोड़े, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ पत्ता गोभी ली है और लच्छों में काट लिया है पत्ता गोभी को। दो गाजर लिए मैंने, दो बड़ी प्याज ली है और लच्छों में मैंने काटा है प्याज को। हाफ शिमला मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और अदरक लहसुन को मैंने कूट के लिया है यहाँ पे। तो आप ग्रेटर में भी सारी सब्जियों को ग्रेट कर सकते हैं, बस बारीक होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं सारी सब्जी को मिक्स कर रही हूँ एक साथ। कलर के लिए मैं यहाँ पर बीटरूट यूज़ कर रही हूँ। आधा कटोरी मैं डाल रही हूँ मैदा, आधा कटोरी कॉर्नफ्लोर, एक चम्मच चिली सॉस, एक चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच विनेगर, स्वाद अनुसार मैं डाल रही हूँ नमक, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप ग्रीन मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो। और कलर के लिए आपने देखा होगा कि चाइनीज़ पकोड़े जो होते हैं वो एकदम रेड कलर के होते हैं, तो वो लोग रेड फूड कलर यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने नेचुरल बीट यूज़ किया है, उससे भी बहुत बढ़िया कलर आ जाता है। तो आर्टिफिशियल कलर यूज़ करने से अच्छा है कि हम कुछ नेचुरल ही यूज़ करें। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर अच्छे से एक बाइंडिंग आना चाहिए, जिस तरह हम नॉर्मल पकौड़े बनाते हैं सेम वैसा ही बाइंडिंग इसमें आना चाहिए। थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है कॉर्नफ्लोर, तो मैं आधा कटोरी और इसमें मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी छिड़क कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा बैटर रेडी है और पकौड़े तलने की तैयारी हो चुकी है। छोटी साइज़ में मैं पकौड़े तल रही हूँ और यहाँ पर फूड कलर की जगह पर मैंने बीटरूट यूज़ किया है, जो एकदम नेचुरल होता है और खाने में सेफ रहता है। तो एंजॉय करिए चाइनीज़ पकोड़े सॉस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।